नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आस्क अश्विनी जी में। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं, शायद इस धरती पर हर इंसान की जिज्ञासा का विषय है ये, गॉड, भगवान। हाँ जी, हर इंसान के मन में ये जिज्ञासा है कि क्या वाकई में गॉड है, और अगर गॉड, भगवान, ईश्वर है तो कहाँ है, क्या हम इसे देख सकते हैं, क्या हम इसे महसूस कर सकते हैं। अलग अलग तरह के लोगों ने इस बात को समझाने की कोशिश की है। अक्सर इंसान मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में परमात्मा को खोजता आया है, पर मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूं। परमात्मा बाहर कहीं पर भी नहीं है, सच्चा जो परमात्मा है वो हमारे भीतर है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में नहीं जाइए, लेकिन वाकई में आप परमात्मा का, गॉड का, ईश्वर का अनुभव करना चाहते हैं तो परमात्मा को आपको मंदिर मस्जिदों में नहीं पर भीतर खोजना होगा। अगर आपको परमात्मा से बात करनी है, हाँ जी बिल्कुल, आप परमात्मा से बात कर सकते हैं। कैसे बात कर सकते हैं? शब्दों की भाषा में? जी नहीं, परमात्मा की भाषा फ्रीक्वेंसी की भाषा होती है, जैसे कि मैं पहले कई मेरे वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ। आज मैं जो आपको बताने जाने वाला हूँ वो परमात्मा, ईश्वर क्या है, एक कंसेप्ट के माध्यम से, एक विजुअल के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। हमारी आध्यात्मिक जर्नी क्या है और हम कैसे अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं, ये बात को मैं एक विजुअल से, एनिमेशन से समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल में इस पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान, मतलब हर जीव परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसा हम कहते हैं। हम कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा, ऐसा हम कहते हैं। तो आइए इस बात को थोड़ा और विस्तार से, बेहतर तरीके से समझते हैं। आज से अरबों खरबों वर्ष पहले जब पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं था तो क्या था? तब सिर्फ रॉक्स थे। रॉक्स की भी अपनी चेतना है, हालांकि उसमें प्राण एनर्जी नहीं है, मतलब जीव नहीं है, चेतन नहीं है, लेकिन उसका भी एक ऑरा है, उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो रॉक्स इवॉल्व होते गए, जैसे जैसे रॉक्स इवॉल्व होते गए तो उनमें से तब्दील होके मिनरल बना, और इसीलिए हमको धरती में से सारे मिनरल्स, खनिज मिलते हैं, और वो मिनरल्स भी बहुत सालों की प्रोसेस के बाद में इवॉल्व होते गए और उनकी तब्दीली हुई मेटल्स में। मेटल्स भी इवॉल्व होते गए और सबसे पहला लाइफ फॉर्म इस धरती पर अस्तित्व में आया वह है प्लांट किंगडम। तो ये इवोल्यूशन होने के पहले अगर हम जाते हैं तो इस ब्रह्मांड में क्या था? ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति के समय के पहले अगर हम जाएं तो परमात्मा स्वयं भी, ऐसा कह सकते हैं कि वो भी सुषुप्त अवस्था में था, मतलब परमात्मा को स्वयं अपने प्रभुत्व का एहसास नहीं था। तो परमात्मा स्वयं भी एक इवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू पास हुए, और जब परमात्मा को अपने प्रभुत्व का, अपनी उन असीम इन्फिनाइट पावर का, असीम शक्तियों का अनुभव हुआ तो परमात्मा को भी यह जिज्ञासा हुई कि वो प्रभुत्व, वो ईश्वरत्व, वो शक्तियां उन्हें किसी और के साथ शेयर करनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, कोई था ही नहीं, तो परमात्मा किसके साथ शेयर करते? तो परमात्मा ने अपने आप को एक बड़े विस्फोट से अनंत चेतना बिंदुओं में विभाजित कर दिया, और ये सारे चेतना बिंदु यानी कि हम मनुष्य, सारे लिविंग बींग, और ये चेतना बिंदु भी परमात्मा का ही स्वरूप है। अब परमात्मा ने बाकी सब चेतना बिंदु से अपनी शक्तियों का परिचय देना शुरू किया तो जाहिर सी बात है सारे चेतना बिंदु भी परमात्मा का ही अंश है। तो वहां पे कोई थ्रिल नहीं था। अगर मेरे पास कोई नायाब चीज हो और मैं आपको वो चीज दिखाऊं और आप भी मुझे कहो कि देखिए इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास भी है, तो उसमें कोई रोमांच नहीं है। तो ईश्वर को रोमांच चाहिए था तो इन्होंने माया का सर्जन किया,
जिसको हम कहते हैं संसार माया, उन्होंने क्या किया, वो जो चेतना बिंदु है, मान लीजिए एक ज्योत स्वरूप में, एक मोमबत्ती की ज्योत है, उसमें से बहुत सारी अनंत ज्योत उत्पन्न की गई, तो ये जो चेतना बिंदु है उसके आसपास उन्होंने ईगो का, अहम का आवरण रख दिया। जैसे हर एक ज्योत के ऊपर कांच का एक गोला रख दिया जाए, जैसे लालटेन में गोला होता है, तो मान लीजिए एक लाल रंग का गोला, एक पीले रंग का, एक हरे रंग का, उस तरह से मैं एक उदाहरण देने के लिए कह रहा हूं। तो ये हर ज्योत यानी कि हर चेतना बिंदु दूसरे चेतना बिंदु को और अपने बाहर की दुनिया को अपने उस आवरण से देखने लगा, यानी कि अपने ईगो की दृष्टि से, अपने परसेप्शन से देखने लगा और माया का, संसार का निर्माण हुआ। अब जो परमात्मा है वो केंद्र में है, और परमात्मा जो केंद्र में है उनका मैग्नेटिक पावर, उनकी चुंबकीय शक्ति इतनी है कि वो सारे चेतना बिंदुओं को अपनी तरफ खींचता है, और इसीलिए इंसान को परमात्मा के प्रति आकर्षण है, इसलिए इंसान को परमात्मा के बारे में जानने में, परमात्मा की अनुभूति करने में इतनी दिलचस्पी है, जिज्ञासा है। कुछ लोग परमात्मा में नहीं मानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय आता है कि उनको भी परमात्मा में मानना पड़ेगा। उनका परमात्मा में नहीं मानना भी परमात्मा की माया का ही एक हिस्सा है। तो ये सारे चेतना बिंदु केंद्र में परमात्मा की ओर गति करते हैं, और इस गति को हम आध्यात्मिक जर्नी कहते हैं। अनेक जन्मों के बाद जैसे जैसे हमारी चेतना का उत्थान होता है, जैसे जैसे हमारी चेतना प्रोग्रेस करती है, इवॉल्व होती है, वैसे वैसे हम परमात्मा के और करीब जाते हैं। और जैसे जैसे चेतना इवॉल्व होती है, ये जो ईगो नाम का आवरण है, अहम का आवरण है, वो आवरण धीरे 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 फेड होते जाता है। एक समय ऐसा आता है कि इंसान का ईगो, अहम, बिल्कुल शून्य हो जाता है, और तब उसे सामने ईश्वर का एहसास होता है। लेकिन यहां पर भी एक बात ध्यान रहे कि यह स्थिति भी, जब ईगो शून्य हो गया, अभी भी इंसान ने स्वयं ईश्वर को अनुभव नहीं किया है, ईश्वर की सिर्फ झांकी की है, और यही इंसान को अनुभव होता है अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन ईश्वर की अनुभूति अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति से भी परे है, और जब ये आवरण बिल्कुल क्षीण हो जाता है, टूट जाता है, तभी ये आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है, और इसे ही हम मोक्ष के नाम से जानते हैं। तो ये आध्यात्मिक सफर क्या है, और कैसे हम जीवन में जल्दी से परमात्मा की मौजूदगी का अनुभव कर सकते हैं, उसके लिए जरूरी है कि हम चेतना क्या है, चेतना के कंसेप्ट को समझें। चेतना के कंसेप्ट को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस एन एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। मैं आने वाले समय में एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस क्या है और एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा, और कई ऐसी साधना की कुछ क्रियाएं भी मैं आपको बताता हूं ताकि आप अपनी चेतना को और उत्थान की ओर ले जाएं, आप अपने आध्यात्मिक सफर को गति दे सकें और अपने जीवन में परमात्मा की मौजूदगी का अनुभव कर सके। और इसके लिए हमने एक योग विधि का निर्माण किया है जिसका नाम है आत्म कल्याण योगा। जैसे जैसे कई जन्मों के बाद आत्मा आध्यात्मिक सफर में आगे बढ़ती है, आत्मा का कल्याण होकर वो परमात्मा के सानिध्य का, परमात्मा की जीवन में उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने यदि मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से कई सारे ऐसे सवालों का जवाब वीडियो के माध्यम से देता हूं। आपकी कई सारी ऐसी जिज्ञासा हो सकती है जो आपको जवाब कहीं से भी नहीं मिलता होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सदगुरु कृपा से मैं कोशिश करूँगा कि उन सारी जिज्ञासा को संतुष्टिपूर्वक जवाब दे सकूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।